Well, the big story we're tracking this morning, the tragedy in Allahabad, 36 people killed in a stampede at the railway station in Allahabad as lakhs of people, in fact, crores, we're told, were returning from the Kumbh Mela, from one of the holiest days called Mauni Amavasya. 36 people have died. Well, let's go across to where Railway Minister Pawan Bansal is speaking. एक लाख रुपए का मृतकों को, उनके परिवारों को, और जिनके चोटें गहरी हैं, ग्रीवस इंजरीज हैं, उनको 50,000, और जिनके सिंपल इंजरीज हैं उनको 25,000 का रेलवे से हमने उसका ऐलान किया है। अभी मैं वहां सिचुएशन का जायजा लेने के लिए, खास तौर पे इस बात के लिए, क्योंकि अभी 3 स्नान और अहम बाकी हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए फिर एक बार उस पर पहले वहां की समीक्षा की थी, लेकिन फिर जा रहे हैं हम अभी, सीआरबी और मैं, हम दोनों भी यहां से जा रहे हैं इलाहाबाद, उसका और जायजा लेने के लिए, साथ रेलवे स्टेशन पे और प्रबंध आने वाले दिनों के और क्या होने बनते हैं। इन दिनों के लिए ट्रेन्स का, जो स्पेशल ट्रेन्स का जो पहले कनेक्ट होता है, एंटिसिपेशन होती है कि कितने लोग ट्रेन्स को और लेना चाहते हैं, पिछले वर्षों से जो पहले उस साल उससे पहले जो हुए उसे बढ़ाते हुए इन 3 दिनों के लिए, चार दिन 10, 11, 12, 13 4 दिन के लिए 220 ट्रेन स्पेशल, और जानना 112 ट्रेन वहां से इलाहाबाद से वैसे चलती हैं जो रूटीन की हैं। उनके अलावा 220 ट्रेन का जो इलाहाबाद के और स्टेशन हैं, साथ प्रयाग, जूसी, वो सभी को मिला के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह से लोग जाते हैं, और यही प्रबंध वहां किया गया था, जो एनक्लोजर्स बनाए थे कि कौन सी दिशा में जाने वालों के लिए कौन सी रंग दिया हुआ है कि वहां आके रहते, उसी के हिसाब से ये पूरे स्टेशन में से 220 ट्रेन का इंतजाम है। लेकिन कल के हादसे के बाद हम और जगह से प्रयास किया है कि कौन कौन सी ट्रेन कहीं और से कैंसिल करके वो रेक इधर लगा सके, वो 4 ट्रेक्स का अभी मेरा आज वहां पहुंच जाएंगे, वो एक्स्ट्रा लग पाएंगे। कल वहां से 112 के अलावा 69 और स्पेशल ट्रेन कल चली थी, आज अभी तक 27 स्पेशल ट्रेन आज के दिन वहां से, और 10 बजे तक और स्पेशल ट्रेन वहां से चल चुकी हैं, जो ट्रेन नॉर्मल चलती हैं उनके अलावा सभी। जब मैं ये कहता हूं वहां से, का मतलब जो कुंभ के जहां जहां से पैसेंजर इलाहाबाद के साथ वाले जो स्टेशन इलाहाबाद के माने जाते हैं, उन सभी से इतनी चली हैं, और चार हमारा एक ख्याल है कि अभी और वहां से आ जाएंगे। 3 स्नान जो और हैं आने वाले दिनों में वो अहम हैं, उनके लिए इतना रश नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये हादसा हुआ है अब हमें और गौर करने की जरूरत है, जैसे ये इनक्लोजर टूटे, प्रशासन वालों से सभी से बात करके हम वहाँ क्या सिस्टम और रखे जा सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो हेल्पलाइन चल रहे हैं, हेल्पलाइंस पे क्वेरीज हो रही हैं, अब तो NCR के वेबसाइट पे भी मृतकों का और जिनके चोटें आई हैं उनकी लिस्ट वहां रख दी गई है, लेकिन 1100 से ऊपर हमारे पास हेल्पलाइंस में क्वेरीज आई, उनको एकदम बता पाए कि क्या वहां की स्थिति है, कहां कौन कौन से जो जिनकी मृत्यु हुई है या जिनके चोटें आई हैं उनका नाम वहां बता पाए थे। और एक हमने साथ और चीज का अभी किया है, फैसला किया है कि जो मृतकों के या कोई जिनके चोटें आई हैं उनके परिवारों के, उनकी जगह से कोई उस जगह इलाहाबाद जाना चाहे, उनको 2 पास, उनके 2 रिलेटिव्स को AC सेकेंड क्लास की पास मिल जाएंगे, और वापस जब आना चाहेंगे उनको साथ लेके, जो वहां गए हुए हैं उनके साथ लेके उनको वो भी सुविधा वहां मुहैया कराई जाएगी। वेल, आई हैव मेड इट अबंडेंटली क्लियर, एंड दिस इज नॉट रियली एन इश्यू, द इश्यूज आर डिफरेंटली एट द मोमेंट, बट द फैक्ट इज फुट ओवर ब्रिज डिड नॉट क्लियर। बट सर, आपको जो ब्रिज चेंज आपने कहा कि लास्ट मोमेंट पे बदला गया, उसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं वहां अभी जा रहा हूं। लेकिन जो आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, रेलवेज के पूरे सिस्टम में, पूरे देश में, ये कृपा करके उस चीज को जान लीजिए, और जब ऐसा सवाल किया जाता है, ये साथ को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि पूरे हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम में जो 1,13,000 किलोमीटर और 64,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर पे चलते हैं, उन सभी के मिला के 12,000 ट्रेन हैं, और वो 2,30,00,000 लोग एक दिन में ढोती हैं, सिर्फ 2,30,00,000 वो ढोती हैं, और पूरे 2,30,00,000, और वो पूरे हिंदुस्तान की ट्रेन वहां नहीं पहुंच सकती, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, किसी रेलवे स्टेशन से
ट्रेन का जाने का, स्टेशन ए और बी के बीच में एक ट्रेन अगर आगे निकल जाए तभी दूसरी ट्रेन पीछे से छोड़ी जाती है। ये अगर हम चाहें भी कि 10-10 मिनट के बाद ट्रेन चला दें, वो चलाई नहीं जा सकती। वो उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी भी उतना ही बड़ा है जो ट्रेन में बोर्ड कर लें। आगे ऐसा नहीं हो कि एक लाइन पे 10 ट्रेन चलनी शुरू हो जाएं, जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती हैं ट्रेन ऐसे नहीं चलती हो।